Hello everyone, welcome back to my channel Muklava Fashion and Lifestyle. Today we are going to share Bandhej and Ghachola, which is the most royal traditional Indian wear. And if you are new around here, I'm Manisha Agrawal, a fashion designer and a style consultant. Please do like and subscribe the channel and share the love. It would really mean a lot to me. So let's get started. बंधेज एंड घाटचोला आर द ट्रेडिशनल वेयर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, जो कि बहुत ही पुराने समय से राजा रजवाड़ों की भूमि रही है। महारानियों के पहनावे में बंधेज, घाटचोला या लहरिया का एलिमेंट होने की वजह से आज भी इसे राजाशाही रॉयल ड्रेसिंग की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। मारवाड़ी ट्रेडिशन में तो आज भी किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, घर का मुहूर्त हो, पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, बंधेज या घाटचोला या फिर लहरिया के साड़ी या फिर दुपट्टे को कैरी करना बहुत ही शुभ और कंपलसरी माना जाता है। घाटचोला फैब्रिक इज वेरी मच इन ट्रेंड नाउ। घाटचोला मीन्स बंधेज के फैब्रिक में जब बनारसी जरी का चेक्स होता है तो ये इसको और भी रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। घाटचोला इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट चूंकि यह कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होता है। मैरिज का कोई भी फंक्शन हो, रिंग सेरेमनी हो या फिर गीत सम्मेलन, हाउस वार्मिंग पार्टी हो या फिर किसी बड़ी पूजा का आयोजन, भागवत हो, दादी का मंगल हो या किसी भी तरह के मांगलिक कार्यक्रम हो, बंधेज, घाटचोला या लहरिया हर समय शोबर और एलिगेंट लुक ही क्रिएट करता है। फिर चाहे आप इसे किसी भी रूप में वेयर करें, साड़ी हो, लहंगा हो, कुर्ती हो या फिर अनारकली के रूप में भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल घाटचोला के दुपट्टे से भी अपने आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बड़े बड़े डिजाइनर लाइक मनीष मल्होत्रा, तरुण तहलानी भी अपने कलेक्शंस में कंटिन्यूस ये बंधेज, घाटचोला या लहरिया के फैब्रिक को रेगुलरली यूज करते रहते हैं। बंधेज की एक क्वालिटी जिसे रायदाना बंधेज भी कहते हैं, जिसमें इसकी बंधाई बहुत ही बारीक, बहुत ही फाइन होती है। इसकी क्राफ्टमैनशिप से ही आप इसकी प्राइस वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप साड़ी के शौकीन हैं तो बनारसी बंधेज या घाटचोला इज अ मस्ट हैव पीस इन योर वार्डरोब। इस ट्रेडिशनल वेयर को स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देने के लिए आप इसमें कुछ डिजाइनर ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे एक क्लाइंट के लिए उनके घाटचोला की साड़ी के साथ अंगरखा पैटर्न या फिर कॉर्सेट ब्लाउज स्टिच किया, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आप अपने घाटचोला के कलेक्शन में गज्जी सिल्क लें या फिर खड्डी जॉर्जेट की साड़ी लें, बट बी श्योर कि आप प्योर फैब्रिक ही लें, क्योंकि प्योर फैब्रिक में ही बारीक रायदाना बंधेज का लुक खिल कर दिखता है। आप इसके साथ जब कॉर्सेट या अंगरखा पैटर्न के ब्लाउज को क्लब करते हैं और इसे सीधे पल्लू के पैटर्न में वेयर करते हैं तो यह इसके लुक को और भी स्टाइलिश और मॉडर्न बना देता है। फुल स्लीव्स विद हैंडवर्क भी इस तरह की ट्रेडिशनल साड़ियों के साथ डिजाइनर एलिमेंट ऐड कर देता है। हमारे एक और क्लाइंट जिनकी चॉइस काफ़ी सेटल और मोनोक्रोम लुक की थी, उनके लिए भी हमने बंधेज की एक अनारकली रेडी किया जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आया। मिनिमल वर्क के साथ, फ्लोई फिट के साथ बहुत ही एवरग्रीन गारमेंट बनकर रेडी हुआ। यदि हम हैंडवर्क की बात करें तो गोटा, जरदोजी या फिर मिरर वर्क वेरी वेल गोज विद द बंधेज एंड घाटचोला, बट यह इट्सेल्फ इतना रिच फैब्रिक होता है कि इसमें बहुत ही थोड़ा हैंडवर्क इसके लुक को एनहेंस कर सकता है। केवल बिजिया या गोटा की बॉर्डर से हम इसकी फिनिशिंग को कम्प्लीट कर सकते हैं। इन फैब्रिक्स में हैवी हैंडवर्क की बिल्कुल भी नीड नहीं होती। इसमें जरा सा हाईलाइट या फिर हल्के वर्क का बॉर्डर ही इनके लुक को काफ़ी क्लासी क्रिएट कर देता है। और यदि हम इससे लहंगा क्रिएट करें तो उसमें स्मार्ट टेसल्स लगाकर भी हम उसके लुक को काफ़ी एनहेंस कर सकते हैं। इन दुपट्टों को प्लेन ब्लैक या प्लेन वाइट कुर्ती के साथ यदि हम पेयरअप करें तो ये कलर्स बहुत ही सुंदर तरीके से पॉपअप करते हैं। इसके अलावा आप डेनिम के साथ वाइट शर्ट या टी शर्ट पहनकर भी बंधेज के दुपट्टे को ले सकते हैं और आप अपनी एक अनारकली के साथ भी घाटचोला या बंधेज को क्लब कर सकते हैं। आपकी वार्डरोब में, आपके कलेक्शन में एक बंधेज का लहंगा एटलीस्ट होना ही चाहिए, जिसे आप डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन में कभी ब्लाउज के साथ या फिर कभी कुर्ती के साथ पेयरअप करके आप बहुत ही स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हैं। इन ट्रेडिशनल वेयरिंग के साथ जड़ाऊ का चोकर या फिर आप महारानी स्टाइल नेकलाइन वेयर करके आप इसके रॉयल लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं।
बंधेज हो, लहरिया हो या घाट चोला हो, इसे आप किसी भी फॉर्म में, चाहे आप दुपट्टे के रूप में लें या फिर आप लहंगे, साड़ी या अनारकली के रूप में अपने कलेक्शन में ऐड करें, तो यह आपके कलेक्शन में हमेशा चार चांद ही लगा देगा। आपके कलेक्शन में बंधेज और घाट चोला में क्या क्या है और आप उसे किस तरह पेयर अप करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। लेट मी नो हाउ यू फेल्ट about this video, and if you have any more question regarding this topic, I'm always happy to answer to you. Style is the way to say who you are without having to speak. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पर्सनल ड्रेसिंग स्टाइल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितना जरूरी है हमें अपनी पर्सनल ड्रेसिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना। हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा अग्रवाल, स्टाइल कंसल्टेंट। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विथ माय न्यू वीडियो। हाउ इज द लॉकडाउन ट्रीटिंग यू ऑल? इवन दो अनलॉकिंग स्टार्ट हो चुका है, बट सेफ्टी प्रिकॉशंस आर मैंडेटरी नाउअडेज। अ लॉट हैज चेंज व्हेन इट कम्स टू फैशन ड्यूरिंग दिस टाइम। और हम इस वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं कि फैशन भले ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहे, बट हमारी पर्सनल स्टाइल यूनिक होती है, परमानेंट होती है। हमारी स्टाइल हमारी इनर सेंस को, हमारी डेली लाइफ रूटीन, हमारी चॉइस को रिप्रेजेंट करती है। योर पर्सनल स्टाइल इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि कैसे हम अपनी पर्सनल स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी पर्सनल स्टाइल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हमारा मूड, ओकेजन, हमारा डेली रूटीन, हमारा वर्किंग पैटर्न एंड ऑनगोइंग फैशन ट्रेंड्स। पर्सनल स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ जर्नी टू आइडेंटिफाई योर कोर आइडेंटिटी। अपनी पर्सनल स्टाइल आइडेंटिफाई कर लेने से आप बेस्ट आउटफिट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे कपड़ों पर इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी पर परफेक्टली सूट होते हैं। अक्सर लोगों को यह गलत फहमी होती है कि पर्सनल स्टाइल केवल फैशन कॉन्शियस लोगों के लिए ही होती है, बट सच तो यह है कि हम सभी सुबह काफ़ी देर अपनी वार्डरोब के सामने यह सोचने में लगाते हैं कि आज हम क्या पहने। दैट मीन्स द रियलिटी इज क्लोदिंग अफेक्ट्स एवरीवन। सो ऐसा क्या करें कि जब हम सुबह तैयार हों तो बहुत ही पावरफुली और ग्रेसफुली रेडी हों? ऑफ कोर्स द आंसर इज कि जब हम अपनी पर्सनल स्टाइल के अकॉर्डिंग रेडी होते हैं तो हम हमेशा कॉन्फिडेंट एंड मोर कंफर्टेबल होते हैं। आइए बात करते हैं उन तरीकों की जिससे हम अपनी पर्सनल स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्कैन योर वार्डरोब। आपको टाइम टाइम पर अपनी वार्डरोब की स्कैनिंग करते रहना चाहिए। व्हाट आर योर फेवरेट्स एंड लीस्ट फेवरेट क्लोथ्स? आपको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से क्लोथ हैं जिनकी फोल्डिंग आपने आज तक नहीं खोली, जिन्हें आप पहनना पसंद नहीं करते, जिन्हें आपने इम्पल्सिव बाइंग कर लिया था। ऑल्सो पॉइंट आउट द क्लोथ्स जिन्हें आप बहुत हैप्पीली रिपीट करते हैं। नीडलेस टू से कि जिन क्लोथ्स को आप पहनकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, वे सारे क्लोथ्स आपकी पर्सनल स्टाइल की ओर इंडिकेट करते हैं। और यही वजह है कि हमारी स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी समय तक हमारे वार्डरोब पर रहती हैं और इसे पहनकर हम हमेशा हैप्पी फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। आपको अपने लुक्स के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। ऑफकोर्स उस समय नहीं जब आप किसी चीज़ के लिए फाइनल रेडी हो रहे हो, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर किसी घर के फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, बल्कि आपको अपने फ्री टाइम में, इनफैक्ट स्पेशली टाइम निकाल कर अपने सारे आउटफिट्स को, मेकअप्स को, अपने लुक्स को ट्राई करके देखना होगा कि कौन सा लुक आप पर सबसे बेस्ट सूट कर रहा है। आप उस समय पिक्चर्स क्लिक करके भी अपने इस लुक को कैप्चर करके बाद में जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लुक परफेक्टली सूट करता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा टाइम निकाल कर खुद को पुश करना होगा कि आपको अपने लुक्स ट्राई करने हैं, आपको ड्रेसेस पहन कर देखनी है, आपको अपना मेकअप, अपने एक्सेसरीज को ट्राई करके देखना है कि आप पर क्या सूट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट इज द ओनली की माई फ्रेंड्स। जब तक आप अपने लुक्स को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप फैशन अपडेटेड कैसे रहेंगे, अपने स्टाइल सेंस में लेटेस्ट फैशन के इनपुट्स कैसे आप डाल पाएंगे? सो एक्सपेरिमेंट इज द ओनली वे टू मेक योर स्टाइल फैशन अपडेटेड। थर्ड पॉइंट इज लुक योर ओल्ड पिक्चर्स। आप अपने पुराने पिक्चर्स निकाल कर देखिए कि कौन सा लुक आप पर सूट करता है। स्क्रॉलिंग थ्रू योर प्रीवियस लुक आप अपनी पर्सनल स्टाइल फाइंड कर सकते हैं जो आप पर बहुत अपीलिंग लगती है। इससे आपको यह क्लियर आइडिया मिल सकता है कि आप पर कौन सा लुक बहुत सूट करता है। वर्क मोर ऑन एडिंग टू दिस लुक। वॉट गुड लुक यस्टरडे माइट नॉट बी लुक
वेरी नाइस फॉर टुडे. सो ऑलवेज गिव अ थॉट कि करंट फैशन ट्रेंड से अपने स्टाइल को कैसे अलाइन कर सकते हैं. फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, बट आपको लेटेस्ट फैशन का नॉलेज रखना, उसे अपनी पर्सनल स्टाइल के साथ अलाइन करके उसे बहुत स्मार्टली फॉलो करना ही आपकी पर्सनल स्टाइल को अपग्रेड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बी रियल बी यू. स्टाइल इज द फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. वेल इफ यू लुक अराउंड देर इज लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन एवरीवेयर. जो दूसरे लोगों पर सूट करता हो, जो मॉडल्स के फिगर पर सूट करता हो, आपके फ्रेंड्स पर सूट करता हो, जरूरी नहीं कि वह आपके फिगर पर भी बहुत सूट करे. हमें लेटेस्ट फैशन ट्रेंड जरूर फॉलो करना चाहिए, बट वही जो हमारे कॉम्प्लेक्शन पर सूट करे, हमारे बॉडी टाइप पर सूट करे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी क्लोदिंग स्टाइल हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करने वाली हो. व्हाट वी वियर शुड कॉम्प्लीमेंट अस. इसलिए आपका ट्रू स्टाइल आपकी क्लोदिंग स्टाइल में जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. एक पावरफुल पर्सनालिटी के लिए एक पावर ड्रेसिंग होना बहुत जरूरी है, और इसके बारे में मैंने एक डिटेल में बात की है अपने इस वीडियो में. पावर ड्रेसिंग आप इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. इसमें मैंने एक पावरफुल पर्सनालिटी के लिए किस तरह की ड्रेसिंग होनी जरूरी है इसके बारे में डिटेल में बात की है. नेक्स्ट पॉइंट इज एसेसरीज. एसेसरीज ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पर्सनल स्टाइल. आपकी पर्सनल स्टाइल केवल आपकी ड्रेसिंग से डिसाइड नहीं होती, बट द एसेसरीज यू वेयर एंड हाउ यू कैरी देम इज ऑल्सो डिफाइन योर पर्सनल स्टाइल. योर फुटवेयर, योर मेकअप, योर फ्रेग्रेंस, द वे यू वॉक एंड यू टॉक, ये सारी चीजें मिलकर एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनाती है. इसलिए इन्हें बहुत वाइसली चूज करना चाहिए. ऑल दो क्लोदिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनल स्टाइल, बट एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस इन यू. आपने सारा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट कर लिया, नाउ इज द टाइम टू डू द प्रैक्टिकल. आप चाहे जो भी ड्रेस पहन लें, बट एक वो सुंदर से स्माइल यदि मिसिंग है तो सब कुछ फीका सा लगेगा. सो ऑलवेज Wear that smile and let the world see your glow. आपका कॉन्फिडेंस हर वक्त आपको यह याद दिलाता है कि आपने खुद को बेस्ट डिफाइन किया है, बेस्ट ड्रेस्ड अप किया है. यू आर यू. अपनी यूनिकनेस को अपनी ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा मेंटेन करके रखिए. फाइनली इट इज़ क्लियर कि अभी के इस बदलते फैशन के दौर पर, फ्रिक्वेंट बदलते फैशन में अपनी पर्सनल स्टाइल को मेंटेन रखना कितना मैंडेटरी है. अपनी पर्सनल स्टाइल को फाइंड आउट करना इज लाइक फिगरिंग आउट योर सिग्नेचर. और आज हमने यह भी जान लिया कि फैशन को अपनी पर्सनल स्टाइल के साथ मर्ज करके ही हम बेस्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू फाइंड योर पर्सनल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. यू कैन ड्रॉप इन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also, let me know if you have something to share. Share this video with your friends and families if you like this useful to you. I hope you have enjoyed watching my... पड़ गई मिट्टी में बारिशों की बूंदें जो चंद पड़ गई. बारिश का मौसम, बड़ा पाव, चाय, भजिया का नशा और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का मजा. बट क्या पहने जो मौसम और मूड दोनों के अकॉर्डिंग सुटेबल हो. So today I have got some style tips which will help you to be fashionable and comfortable this rainy season. Last video में हमने power dressing की कुछ बातचीत की थी. यदि आपने अभी तक वह video नहीं देखा है तो link नीचे description box में है. Do check it out. So let's get started. Monsoon is here and it's really difficult to decide an outfit when it's really muddy outside. Dressing for the rain can be a whole new feeling of fun. Today in this video, I am going to share some style tips in this monsoon season. First, we will talk about the color. We should wear vibrant pop-up colors like blue, red, orange, pink, yellow in this monsoon season. समर में आपने व्हाइट, ऑफ व्हाइट, बेज बहुत पहन लिया, बट मॉनसून आते ही आपको इन कलर्स से स्विच हो जाना चाहिए. बिकॉज लाइट कलर्स गीले होते ही ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और सी थ्रू होने की वजह से आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं. बाय वियरिंग मोर बोल्डर एंड ब्राइटर कलर्स यू कैन एलिवेट योर मूड इन दिस डल सीजन. ब्राइट, अब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्रिकल, बोल्ड प्रिंट्स एंड फ्लोरल प्रिंट्स आर मोर सुटेबल फॉर दिस सीजन. Printed dresses look extremely beautiful as floral print always elevate our mood. For this not so hot, not so cold season, you must try the dresses which have floral prints. Next point is fabric. जो कि breathable हो और बहुत जल्दी सूख जाए बारिश के लिए
अप्रोप्रिएट होते हैं लाइक लाइक्रा मल कॉटन एंड पॉलीजॉर्जेट. मलमल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड स्किन फ्रेंडली फैब्रिक जो कि मॉइस्चर में भी कोई ट्रबल नहीं देता. इस मॉनसून में मलमल आपका फेवरेट बन सकता है. बट लिनन एंड निटेड फैब्रिक आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस सीजन क्योंकि ये क्रश हो सकते हैं और गीले होने से ये डी शेप्ड भी हो सकते हैं. प्लाजोज विल कीप यू एरी ऑल द टाइम एंड दे लुक वेरी ट्रेंडी एंड कम्फर्टेबल ऑल्सो. नेक्स्ट इज एसेसरीज. इट्स नॉट ओनली ड्रेसेस बट यू ऑल्सो नीड टू सेलेक्ट द राइट एसेसरीज दैट वर्क बेस्ट फॉर दिस सीजन. ब्राइट स्कार्फ्स and bright colors footwear can add detailing to your outfits. Bright colorful scarf is always better option than full length dupatta in this rainy season. Invest in nice colorful rubber shoes or slipper. Vibrant color rainproof flip-flop or sandals are always better options in this rainy season. Those crazy neon colors look great on your feet and they do come in pretty innovative designs. Rubber flats are always cheap and washable, but one thing you should always remember that the sole of the footwear should be textured to avoid slipperiness. Next is makeup. Waterproof makeup is the only solution in this rainy season. During monsoon, there is a lot of moisture in the air and that moisture can make our skin greasy and your makeup can become cakey. So don't wear heavy makeup in this monsoon. इस रेनी सीजन में लाइट और नेचुरल मेकअप ही कंफर्टेबल होता है. नेक्स्ट इज हेयर. पोनीटेल इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन देन द हेयर बन इन दिस मॉइस्चर सीजन बिकॉज बन में पसीना ग्रीस एंड मॉइस्चर अंदर लॉक हो सकता है बिकॉज हेड हैज नो एयर टू ब्रीथ. इससे आपके हेयर स्टिकी और स्टिंकी हो सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो हैव डैंड्रफ ऑन दैट. रेन कॉसेस योर हेयर स्टिंकी ग्रीसी ऑयली फ्रीजी वॉट नॉट. So always tie your hair in this season but not too tightly. Next is leather. Leather is something which you can store and completely keep aside during this monsoon. Humidity just ruin any leather accessories, so avoid any leather accessories exposing the moisture. Moisture ki wajah se leather ka lining usse alag ho jata hai and leather also catches fungus in this season also. Instead of leather shoes and bags or purses, you can go for silicone or rubber shoes and waterproof bags also. Last but not the least, a nice vibrant color of umbrella is must have in this rainy season. इनकी foldable varieties जिसे हम easily अपने hand purse में carry कर सके उसे carry करना ना भूलें. Always carry with you your cheerful umbrella or your neon raincoat. So girls, it's all about the monsoon styling tips. By following these tips, you can perfect complete balance between your culture and comfort in this monsoon season. If these tips help you, leave the comments below in the comment section. जैसे कपड़े हम पहनते हैं, उससे हमारा behavior, attitude, confidence and personality reflect होती है. इसलिए हमें अपने ड्रेसिंग को बहुत ही कॉन्शियसली इम्प्रूव करते रहना चाहिए और आज के इस वीडियो में हम इसी पावर ड्रेसिंग के बारे में बात करने वाले हैं. और यदि आप वर्किंग हैं तो आपके वर्क प्लेस में पावर ड्रेसिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो चलिए बात करते हैं. आई एम मनीषा अग्रवाल, फैशन डिजाइनर एंड स्टाइल कंसल्टेंट. और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा सो डैट कि मेरे जितने भी फैशन रिलेटेड शेयरिंग्स इस चैनल पर आती रहे वो आपको मिलती रहे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पावर ड्रेसिंग इज अबाउट क्लोदिंग्स. ऐसे कपड़े जो आपको पावरफुल दिखाएं, आपको कॉन्फिडेंट फील कराएं और दूसरों के सामने आपके प्रेजेंस का एहसास दिलाएं. और आपके वर्क प्लेस में तो आपके पावर ड्रेसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. एज वुमन हमारे पास क्लोदिंग के स्टाइल फैब्रिक एंड वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा रेंज होता है बट पावर ड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत ही लिमिटेड कलर्स फैब्रिक्स को इंक्लूड किया जाता है. And if you are someone who likes to convey your confidence to others, then power dressing is for you. तो आइए डिटेल में बातचीत करते हैं. First is colors of power dressing. Monochromatic colors काफ़ी powerful effect देते हैं. Monochrome यानी कि एक ही color का top and bottom wear करना. Power color की category में dark colors जैसे कि black, blues, browns ही consider किए जाते हैं. इसके अलावा न्यूट्रल कलर्स जैसे कि वाइट बेज ग्रे भी पावर कलर माने जाते हैं बट रेड और ऑरेंज जैसे पॉपअप कलर्स को
फॉर्मल वेयर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज फैब्रिक सिलेक्शन ऑफ पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग में कलर्स के साथ साथ फैब्रिक सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो पैंट्स एंड ट्राउजर्स आर मोर फॉर्मल देन जीन्स। जीन्स को पावर ड्रेसिंग की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बेटर यू प्रिफर पैंट्स एंड ट्राउजर्स। यदि आप इंडियन वेयर कर रहे हैं तो इंडिगो, अजरक, कलमकारी, टाई एंड डाई, ये सब फैब्रिक काफ़ी फैशन में रहे हैं, क्लासिक भी दिखते हैं और हमेशा फैशन में रहेंगे। तो आप कॉटन फैब्रिक, खादी, सिल्क, चंदेरी, ये सारे फैब्रिक्स पावर फैब्रिक की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यदि आप साड़ी वेयर कर रहे हैं तो भी इन्हीं फैब्रिक्स का सिलेक्शन करें। यानी कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके फैब्रिक में, एक स्टिफनेस होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा ग्लॉसीनेस या चमक नहीं होनी चाहिए। आपको अपने वर्क प्लेस के लिए ऐसे फैब्रिक ही सेलेक्ट करने चाहिए जिनकी क्रीज या फॉल फुल टाइम मेंटेन रहे, वह क्रश या मैशी ना हो जाए। एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ्स, सीक्वेंस या क्रिस्टल वाले क्लोथ्स या फिर फ्लोई फैब्रिक जैसे कि जॉर्जेट या शिफॉन्स जैसे फैब्रिक को पावर ड्रेसिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी कि पावर ड्रेसिंग में फेमिनिन एलिमेंट तो यूज होते हैं बट डेलिकेट एलिमेंट यूज नहीं होते। थर्ड पॉइंट इज लेस स्किन शो। आप अपनी पर्सनल स्टाइल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इंडियन या फिर वेस्टर्न फॉर्मल्स वेयर कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज यदि आपको ज़्यादा पावरफुल और एलिगेंट दिखना है तो आपको लेस स्किन शो ही करना होगा। इसीलिए बिजनेस कैजुअल्स में हमेशा स्लीवलेस के बजाय 3/4 स्लीव्स को या फिर फुल स्लीव्स को ही प्रिफर किया जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन में ही मैक्सिमम लोग आपके क्लोदिंग स्टाइल को देखकर आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। इसीलिए हमें अपने वर्क प्लेस पर टू शॉर्ट्स, टू रिवीलिंग, टू बॉडीकॉन ड्रेसेस को अपने फॉर्मल वेयर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फिटिंग। फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड टेलरिंग का पावर ड्रेसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन अ सिंगल ड्रेस कैन बी पावरफुल यदि उसकी कट्स एंड फिट्स आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हो। अधिकांश लोग राइट फिटिंग थ्योरी को नहीं समझते, जैसे बहुत ज़्यादा लूज कपड़े हमको फ्लफी दिखाते हैं, सेम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी हमें आउट ऑफ शेप दिखाते हैं। सो ऑलवेज वेयर स्लाइटली लूज फिटिंग क्लोथ्स जो कि आपके बॉडी शेप को कॉम्प्लीमेंट करें। एक्चुअली प्रॉपर राइट फिटिंग क्लोथ्स हैज़ द सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। यदि आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो लिनन के शर्ट्स आर वेरी गुड ऑप्शंस देन टी शर्ट्स, एंड इफ़ यू आर वेयरिंग साड़ी देन उसे नीटली प्लीट्स करके आप उसे ज़्यादा ऑथोरेटिव लुक दे सकते हैं। छोटे नेक, स्टैंड कॉलर या फिर कॉलर नेक्स आर द मोर प्रिफरेबल इन पावर ड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। आपको ऐसी ड्रेसिंग करनी है जो आपको कॉन्फिडेंट दिखा सके, ना कि सारा समय आपको कॉन्शियस रखे। यही एक गोल्डन रूल है। द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज योर कॉन्फिडेंस। ओनली द कॉन्फिडेंस कैन ऐड पावर पैक्स टू योर ड्रेसिंग्स। आप यदि कुर्ती वेयर कर रहे हैं तो पेंसिल पैंट्स आर ऑलवेज बेटर ऑप्शन देन द लेगिंग्स और प्लाजोस। यदि आप साड़ी वेयर कर रहे हैं तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फैब्रिक सेलेक्शन एंड द नेक स्टाइल ऑफ द ब्लाउज। लॉन्ग ट्यूनिक्स लाइक कॉटन या लिनन, शॉर्ट कुर्ता स्टीम्ड विद द पैंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। स्कर्ट्स आर ऑलवेज मोर प्रेफरेबल देन दुपट्टास, बिकॉज दुपट्टास को मैनेज करना इज लिटिल बिट टफ देन द स्कर्ट्स। ऑलवेज मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर, हमेशा अपना बैक स्ट्रेट रखें। ऐसा करने से यू विल लुक मोर कॉन्फिडेंट, क्लासी एंड पॉलिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेसरीज इन पावर ड्रेसिंग। जितना एम्बेलिशमेंट एंड पैटर्न कम होगा उतना ही आपका लुक फॉर्मल होगा। इसलिए पावर ड्रेसिंग में मिनिमम एसेसरीज के साथ नेचुरल एंड सटल मेकअप को ही इंक्लूड किया जाता है। पेस्टल शेड्स ऑफ लिपस्टिक एंड लाइट आईलाइनर्स आर इनफ फॉर वर्क प्लेस। इफ यू आर वेयरिंग अ साड़ी डोंट फॉरगेट टू पुट अ बिंदी, इट इज अ प्राइड ऑफ पावरफुल इंडियन वुमन। स्टिक टू द बेयर एसेंशियल ज्वेलरी, स्मार्ट स्लीक गोल्ड चेन विथ स्मॉल पेंडेंट इज इनफ। स्टर्ट्स ही वर्क प्लेस में हमेशा सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट लगते। स्लीक रिस्टवॉच विथ लेदर स्ट्रिप्स विल एड ब्यूटी ऑन इट। ब्लैक और ब्राउन हैंडबैग्स आर राइट चॉइस फॉर पावरफुल लुक। एक अच्छी क्वालिटी का फुटवेयर आपकी पावरफुल इंप्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो बी केयरफुल इन सेलेक्शन ऑफ योर फुटवेयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वह है आपके नेल्स। नेल पेंट या तो लगा हो या ना लगा हो, बट आधा अधूरा ना लगा हो। आपके नेल्स छोटे हों या बड़े हों, बट वेल मेंटेन, वेल मैनिक्योर किए हुए होने चाहिए। नेल पॉलिश शुड बी इन सिंगल टोन लाइक लाइट पीच, पिंक एक्सेट्रा। ब्लैक, रेड जैसे बोल्ड कलर्स हम अपने
वर्कप्लेस पर इंक्लूड नहीं करते। हेयर कलर्स एंड हेयरडू नीट एंड कॉम्प्लीमेंट करने वाला हो। आपका प्रोफेशनल अपीयरेंस आपकी पावर ड्रेसिंग से ही आता है, जो कि वर्कप्लेस पर आपको रिस्पेक्ट गेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर ड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को, इन गोल्डन रूल्स को यदि आप स्मार्टली एंड केयरफुली फॉलो करें तो यू कैन लुक लाइक अ मिलियन बक्स। यदि आपके पास भी पावर ड्रेसिंग से रिलेटेड कुछ यूनिक आइडियाज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। कैप्सूल वार्डरोब एक ऐसी मिनी वार्डरोब होती है जिन्हें हम उन आइटम से क्रिएट करते हैं जिन्हें हम बार बार पहनना पसंद करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा अग्रवाल, फैशन डिजाइनर एंड स्टाइल कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं मुकलावा फैशन एंड लाइफस्टाइल, जिसमें हम फैशन रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड करते हैं, और इसके अलावा पेरेंटिंग पे, बिजनेस मोटिवेशन पे, और काफ़ी टॉपिक पे मैं अपने लाइफस्टाइल रिलेटेड टॉपिक्स पे अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ। यदि आपको इस तरह के टॉपिक पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैप्सूल वार्डरोब का कॉन्सेप्ट। हम में से अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास जितने ज़्यादा पीसेस होंगे शायद हमें हम क्या पहने ये डिसाइड करना इजी होगा, बल्कि मेरा सोचना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हमारे पास लिमिटेड और सिलेक्टेड पीस होंगे तो ये ना केवल हमारी टाइम, एनर्जी और मनी सेव करेगा बल्कि हमारी पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देगा, क्योंकि कैप्सूल वार्डरोब में हम केवल वही पीसेस को इंक्लूड करते हैं जो आप पर बहुत परफेक्टली सूट करते हैं, जिन्हें पहनकर आप बार बार बोर नहीं होते और जिन्हें आप रिपीटेडली पहनना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और आज अपनी कैप्सूल वार्डरोब रेडी करते हैं। आप सबको इसके लिए अपनी वार्डरोब को डिक्लटर करना होगा। वैसे भी इस पेंडेमिक टाइम में आप लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप अपनी वार्डरोब को डिक्लटर कर सकें और उसे कैप्सूल वार्डरोब में कन्वर्ट कर सकें। तो जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज डिक्लटर योर वार्डरोब। कैप्सूल वार्डरोब का बेसिक फंडा है कि सबसे पहले आपको अपनी वार्डरोब में केवल और केवल क्वालिटी पीसेस इंक्लूड करने हैं, क्वांटिटी नहीं, क्योंकि यह मिनिमलिस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस है। इसलिए कैप्सूल वार्डरोब में सबसे पहले आपको अपनी वार्डरोब डिक्लटर करनी है। फर्स्टली यू रिमूव ऑल द आइटम्स यू डोंट लव। डिक्लटर करने के लिए बेसिकली हमें तीन हिस्सों में अपने कपड़ों को डिवाइड करना है। सबसे पहला हिस्सा कीप, सेकेंड मे बी, एंड थर्ड गेट रिड ऑफ। कीप में वो सारे कपड़े होते हैं जिन्हें पहनकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जिन्हें आप हमेशा पहनना पसंद करते हैं, जो आपके प्रॉपर फिट के हैं और जो फैब्रिक, जो कलर, जो डिज़ाइन, जो कट्स आप पहनकर हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, वो सारे कपड़े आपके कीप के कैटेगरी में आते हैं। वो सारे कपड़े जिन्हें पहनकर आप बहुत खुश होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में हमेशा चार चांद लगा देते हैं, वो सारे कपड़े आपको कीप की कैटेगरी में रखने हैं, यानी कि उनको अपनी नज़रों के सामने अपनी वार्डरोब में सजा कर रखना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मे बी। मे बी में आप उन कपड़ों को डालते हैं जिनके साथ आपने अपना एक इमोशनल अटैचमेंट बना लिया है। आप खुद श्योर नहीं है कि इन कपड़ों को आप पहनेंगे या नहीं, आप आज पहनेंगे या बाद में कभी फ्यूचर में आप इन कपड़ों को पहनने वाले हैं या नहीं। इमोशनल अटैचमेंट से मेरा मतलब या तो आपके किसी नियर एंड डियर वंस ने आपको ये गिफ्ट किया था, या फिर किसी अच्छे ब्रांड का बहुत महंगा कपड़ा आपने खरीद लिया था और अब आप उसे रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह के कपड़ों को मे बी के कॉन्सेप्ट में डाल दीजिए। इसके अलावा सीजनल कपड़े, जैसे विंटर के जाने के बाद आपके वुलन्स एंड समर जाने के बाद आपके समर वेयर के कपड़े भी मे बी की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इन कपड़ों को आपको अपनी वार्डरोब से हटाकर कुछ दूसरी जगह पर रखना है। इसमें एक ऐसे भी कपड़े आते हैं जैसे यदि कोई कपड़े जिनकी नेकलाइंस आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जिसका फैब्रिक टेक्सचर आपके लिए स्टाइल कंफर्टेबल नहीं है, ये भी कपड़े आपके मेबी की कैटेगरी में आएंगे। मेबी कैटेगरी के जो कपड़े हैं उन्हें आप जब एक अलग जगह पर रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको निकाल कर वापस सोचना है कि इनमें से कुछ कपड़ों को हम अपने हैप्पीली पहन सकते हैं या फिर हमें इन्हें रिजेक्ट करना है। एक टाइम पीरियड के लिए ही हम उन कपड़ों को अलग रखते हैं। और थर्ड पॉइंट है गेट रिड ऑफ। वो सभी कपड़े जिसे हमने काफ़ी टाइम से पहना नहीं है और जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, वो सारे कपड़े अब उन्हें रिजेक्ट करने का टाइम आ गया है, इन्हें डोनेट करने का टाइम आ गया है। तो उन सारे कपड़ों को आप बिल्कुल मोह छोड़ दीजिए और अपनी वार्डरोब से हटा दीजिए। इमीडिएट किसी जिनको उनकी नीड है उन्हें डोनेट कर दीजिए। ऐसे कपड़ों को हटा देने से आपकी वार्डरोब में स्पेस भी होगा और आप खुश होकर पहनने वाले कपड़ों को ज़्यादा रख पाएंगे। इन द नट शेल हम बोलें तो कैप्सूल वार्डरोब एक
मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है, तो आप पर केवल फबने वाले ऐसे कपड़े जो आप खुश होकर पहनते हैं केवल उन्हें ही आपको अपने कलेक्शन में अभी रखना है और बाकी कपड़ों को फिलहाल वहाँ से हटा देना है। सेकेंड पॉइंट इज कीप टाइमलेस नॉट ट्रेंडी। ट्रेंडी कपड़े नहीं रखना, हमारा मतलब ये नहीं कि हम फैशनेबल कपड़ों को कैप्सूल वार्डरोब में ऐड नहीं करते, बल्कि ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइमलेस कपड़ों को, यानी कि जिनका फैशन कभी पुराना नहीं होता, उन्हें ही अपने कैप्सूल वार्डरोब में ऐड करते हैं। क्योंकि कैप्सूल वार्डरोब मिनिमम नंबर ऑफ कपड़ों से रेडी की जाती है, मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है, इसलिए इसमें हम सदाबहार कपड़े, टाइमलेस कपड़े, जो ऐसे जिनका फैब्रिक, जिनका कलर, जिनका पैटर्न कभी भी आउटडेटेड नहीं होता, उनको ही प्रायोरिटी देते हैं। भले ही हमारे कैप्सूल वार्डरोब में सारे एवरग्रीन कपड़े होते हैं, बट उनमें एक फैशन का टच डालना, एक ट्रेंडी टच डालना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट होता है, जो कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी वार्डरोब में लिमिटेड कपड़े हों बट फैशनेबल भी हों। जैसे यदि मैं किसी इंडियन वेयर की बात करूं, तो आपको कुछ खास फैब्रिक्स जैसे कि घाटचोला बंदेज के दुपट्टे या फिर बनारसी पटोला के दुपट्टों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुर्तीज़ में जैसे लखनवी फैब्रिक के कुर्तीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि इस तरह के पीसेस आपकी वार्डरोब में हैं तो ये हमेशा सदाबहार रहते हैं, कहीं भी पहन लीजिए आप, ये हमेशा ट्रेंडी लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। साड़ियों की अगर बात करें तो एक गॉर्जियस साड़ी एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट है। हमें अपनी वार्डरोब में अच्छी स्मार्ट सी साड़ी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अपनी मदर या मदर इन लॉ से बोरो भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि आप यदि स्मार्ट ब्लाउजेस रेडी करा लें कुछ कॉमन कलर के, लाइक गोल्डन कलर, मरून कलर, या फिर जो भी कलर्स जो आपको लगते हैं कि ये मेरे लिए कॉमन कलर्स होंगे, उस कलर के कुछ ट्रेंडी ब्लाउजेस रेडी करा लीजिए और आप अपने मदर की साड़ी बोरो कर सकते हैं। क्योंकि साड़ियों में फैशन बहुत जल्दी पुराना नहीं होता, वही फैब्रिक बार बार आते हैं। बनारसी फैब्रिक की साड़ियाँ हैं, सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ीज़ हैं, इनको आप एकदम ट्रेंडी और स्मार्ट ब्लाउजेस के साथ मिक्स मैच करके यदि आप पहनते हैं तो आप अपने कैप्सूल वार्डरोब रेडी कर सकते हैं। और यदि आप ब्लाउज पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप अपने क्रॉप टॉप या फिर कोई स्मार्ट जैकेट के साथ भी इसे कंबाइन कर सकते हैं, बट आपको इसका मिक्स मैच का आर्ट आना चाहिए। और इसके लिए मैं, यदि आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं मिक्स मैच से रिलेटेड जितनी भी इंडियन एथनिक की जानकारी है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आपको आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। यदि आप मॉडर्न लुक पसंद करना चाहते हैं तो साड़ियों में आप अपना बेल्ट ऐड कर सकते हैं, किसी तरह का एथनिक बेल्ट को ऐड करके आजकल साड़ियाँ पहनी जा रही हैं। साड़ियों की ड्रेपिंग स्टाइल से भी आप उनमें नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन कलर के ट्रेंडी ब्लाउज स्टिच करवाइए, सो डैट कि आप अपने साड़ीज़ के कलेक्शन में एक कैप्सूल वार्डरोब रेडी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइज योर वार्डरोब इन एवरी 2 मंथ्स। जैसे जैसे फैशन बदलता है, जैसे जैसे सीजन बदलता है, आपको अपने कैप्सूल वार्डरोब को रिवाइज करते जाना है, उसे फिर से अरेंज करना है। जिनके कपड़ों को हटाकर आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, समर में समर वेयर, आपके स्लीवलेस, आपके कॉटन फैब्रिक्स की कुर्तियाँ और समर के जो भी कपड़े हैं वो सामने रखने हैं, सेम विंटर में आपको अपने वार्म क्लोथ्स को सामने रखना है। तो कैप्सूल वार्डरोब को टाइम टू टाइम आपको रिवाइव करते चलना है। यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको अपने नजरों के सामने केवल उन्हीं कपड़ों को रखना है जिन्हें आप आने वाले कुछ दिनों में पहनने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप अपने केवल और केवल डेली वेयर जो होम वॉशेबल कपड़े हैं उनको सामने रखिए, क्योंकि लॉन्ड्री अभी बंद है और लॉन्ड्री वेयर के सारे आपके सेमी फॉर्मल्स और फॉर्मल कपड़ों को आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। वार्डरोब के सबसे ऊपर वाले खन में भी इन्हें सेपरेटली आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको किसी पार्टीज़ में नहीं जाना है, किसी गैदरिंग में नहीं जाना है। यदि आप इंडियन एथनिक वेयर करते हैं तो कुर्तीज़ के साथ रियॉन के प्लाजो का कलेक्शन आपके इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, जैसे जो कि एकदम होम वॉशेबल होते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं। तो आप कुछ कॉमन कलर के रियॉन के प्लाजोस अपनी वार्डरोब में ऐड कर लीजिए, जिन्हें आप कुर्तियों के साथ मिक्स मैच करके डेली वेयर में भी काफ़ी स्मार्ट और कंफर्टेबल रह सकते हैं। अभी इस लॉकडाउन के टाइम में चूंकि आपको दिन भर घर पर रहना है, घर पर कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहनने हैं, तो लेगिंग्स हुए या पैंट्स हुए ये आपको इतने कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। आप प्लाजोस प्रेफर कीजिए, ये आपकी कुर्तीज़ के साथ आपको एक कंफर्टेबल फिट दे सकेंगे, एक कंफर्टेबल और स्मार्ट लुक दे सकेंगे। यानी कि कैप्सूल वार्डरोब रेडी करते समय आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए अपने पार्टी वेयर पीसेस को टेम्प्ररी बेसिस पर वहाँ से शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर ऑल पीसेस इंटरचेंज। कैप्सूल वार्डरोब का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि आपको कुछ ऐसे पीसेस का सिलेक्शन करना है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ बहुत इजीली मैच करते हों।
तो मान लीजिए कि आपने एक वर्सेटाइल लहंगा सेट पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बेस को भी आप बहुत सारी चीज़ों के साथ, मतलब लहंगे के फैब्रिक में आपने ऐसा सिलेक्शन किया है कि आप उसे बहुत सारे साड़ीज़ के साथ, दुपट्टे के साथ उन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लाउज में जो वर्क है वह भी आपकी कुछ साड़ीज़ के साथ जा सकता है और आप उसे साड़ीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लहंगे का दुपट्टा है उसको आप अपने कुर्तीज़ के साथ भी मैच कर सकते हैं। यदि आपने एक अनारकली बनवाई है क्रीम कलर या गोल्डन बेस कलर की, या फिर आपने एक फ्लो टच कुर्ती रखी है अपने वार्डरोब में, अपने कलेक्शंस में, तो आप उसके साथ कुछ ट्रेंडी दुपट्टे मैच करके अपना एक बहुत स्मार्ट सा एथनिक वेयर, पार्टी वेयर रेडी कर सकते हैं। एथनिक दुपट्टा पेयरिंग भी एक बहुत अच्छा आर्ट है, और इससे रिलेटेड भी यदि आप मुझसे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी लेकर अपने आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ आऊँगी और डिस्कस करूँगी कि कैसे आप दुपट्टे ऐड करके अपने एथनिक लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। यदि आप वेस्टर्न वेयर पहनते हैं तो आप इस तरह के जीन्स और इस तरह के बॉटम्स रख सकते हैं जिनके साथ मैक्सिमम आपके टॉप मिक्स मैच हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस जो कि अपने आपस में इंटरचेंज करके हम पहन सकते हैं, जिनकी पेयरिंग हम बना सकते हैं। उसके लिए एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास बेसिक कलर के कुछ पीसेस होने चाहिए जिन्हें हम एक्सेसराइज कर सकें, जिन्हें हम कुछ ब्राइट कलर्स के दुपट्टे या स्ट्रोल के साथ हम उन्हें मैच करके बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अरेंज योर फेवरेट आइटम प्रॉपरली। कुछ लोगों का सोचना होता है कि हमें कपड़े रिपीट नहीं करना चाहिए, कपड़े रिपीट करने से हम स्टाइलिश नहीं दिख सकते, जबकि यदि मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कपड़े रिपीट करना मिक्स मैचिंग का एक आर्ट होता है, और इस आर्ट को आप सीख सकते हैं यदि आप लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहुत आर्टिस्टिकली आप कपड़ों को मिक्स मैच करते हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिख सकते हैं। और आपको कैप्सूल वार्डरोब बनाते समय इस आर्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कपड़ों को रिपीट करना चाहते हैं तो बहुत स्मार्ट तरीके से आपको कपड़ों को रिपीट करना होगा, और इसके लिए आपको अपनी सिग्नेचर स्टाइल आइडेंटिफाई करना होगा। अपनी सिग्नेचर स्टाइल या अपनी एक पर्सनल स्टाइल जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वार्डरोब को अरेंज करते हैं, तो आपकी वार्डरोब में बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही स्मार्ट पीसेस होते हैं। अपनी पर्सनल स्टाइल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को यदि आपने मिस किया है तो आप जाकर ज़रूर उसे चेक कर लीजिए कि कैसे आप अपनी पर्सनल स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वार्डरोब। किसी ने बहुत खूब कहा है, खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह कपड़ों और शक्ल में टटोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी पहने कॉन्फिडेंटली पहनिए, हमेशा हैप्पी रहिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियंस आर फेमस फॉर इट्स डस्की ब्यूटीज। अक्सर हम में से कुछ लोग अपने सांवले रंग की वजह से इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए या कौन से कलर उन्हें ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सब कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन स्किन पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, सांवले रंग को बहुत खूबसूरत दिखाते हैं और उन्हें और भी निखारते हैं। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, स्टाइल कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं मुकलावा फैशन एंड लाइफस्टाइल। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में प्लस साइज को कैसे कपड़े पहनने चाहिए जो उन पर स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकें, इसके बारे में बातचीत की थी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। कहने को तो कई रंग है जमाने में, बट सांवले रंग का कहर कुछ अलग ही ढाता है। डस्की स्किन टोन इज अ ब्यूटीफुल शेड दैट्स लॉट ऑफ अस देसी गर्ल्स आर ब्लेस्ड विथ। सांवला रंग या दबा हुआ रंग कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसका सांवले रंग की लड़कियों को एहसास तक नहीं होता। वेल, स्किन टोन मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि आपने अपना ड्रेसअप किस कलर टोन पर किया है। आप यदि सांवले रंग के हैं, आपका स्किन टोन कुछ डार्क है, इंडियन स्किन टोन है, तो भी आप यदि सारे कलर्स आप पहन सकते हैं, बशर्ते कि उन कलर्स के परफेक्ट शेड्स आपने सेलेक्ट किए हों। अक्सर हम यह स्पेसिफिक हो जाते हैं कि शायद कुछ कलर्स हमें पहनने चाहिए और कुछ कलर्स नहीं पहनने चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि हर कलर हम डस्की स्किन टोन वाले लोग पहन सकते हैं, केवल उसका कलर टोन इम्पॉर्टेंट है, उसका शेड, परफेक्ट शेड इम्पॉर्टेंट है जो हमें अपने ड्रेसिंग में ध्यान रखना चाहिए। सो इट्स क्लियर कि डस्की स्किन टोन वाले लोग, सांवले रंग वाले लोग भी सारे कलर्स पहन सकते हैं,
बट हमें उसका कलर टोन और शेड्स बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हम उन सारे कलर शेड्स के बारे में आज बात करेंगे जिस जो कि डस्की स्किन टोन की खूबसूरती पर चार चांद लगा देंगे। तो सबसे पहला कलर है आइवरी एंड बेज। बेज यानी कि गोल्डन का लाइटर वर्जन। यह एक ऐसा एवरग्रीन कलर है जो कि हर स्किन टोन पर सूट करता है और स्पेशली डार्क कॉम्प्लेक्शन को तो यह बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। यह एक सेफ, सोबर, सिंपल एंड मोस्ट रिकमेंडेड शेड है जो कि डार्क स्किन टोन की के ग्रेस को और भी एनहांस कर देता है। सो फ्रेंड्स, डू ट्राई टू पिक आइवरी कलर्स ओवर अदर कलर्स नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। एंड स्पेशली यदि आप वेस्टर्न आउटफिट के लिए इस कलर को सेलेक्ट करते हैं, आई एम वेरी मच श्योर यू विल थैंक मी लेटर। सेकेंड ऑप्शन इज डार्क कलर्स। यदि आपको डार्क कलर्स का शौक है और आपका कलर सांवला है, तब भी आप कुछ डार्क कलर्स बिंदास पहन सकते हैं, लाइक मरून, मेजेंटा, मॉव, बरगंडी, प्लम, बेरी। ये सारे शेड्स ऐसे हैं जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन पर बहुत सूट करते हैं। मेजेंटा प्लम कलर तो न केवल आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है बल्कि डस्की स्किन टोन पर लिपस्टिक में भी यह कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। साड़ी हो, सूट हो या कोई इवनिंग गाउन हो, किसी भी तरह का इंडियन एथनिक वेयर में आप इन कलर्स को कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी भी इनके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। मरून, मेजेंटा, बरगंडी, बेरी, ये सारे डार्क कलर्स हमेशा स्टनिंग लुक ही क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज मस्टर्ड येलो। एक पॉपुलर मिथ है कि येलो कलर सांवले लोगों पर सूट नहीं करता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। येलो का प्रॉपर मस्टर्ड टोन एक ऐसा टोन है जो कि न केवल सांवले रंग की ब्यूटी में एक चार्म ऐड कर देता है बल्कि वह इंडियन स्किन में एक ग्लो भी ऐड कर देता है, फिर चाहे उन्होंने इंडियन वेयर क्या हो या फिर वेस्टर्न। हाँ, बट आपको याद रखना है कि आपको नियॉन या फिर एकदम ब्राइट येलो कलर्स नहीं सेलेक्ट करने हैं, आपको मस्टर्ड येलो में ही जाना है। और यही कलर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका फोटोजेनिक भी होता है। इस कलर्स में मैं आपको एक टॉप सीक्रेट की बात बताती हूँ, इस कलर में आपकी पिक्स भी बहुत अच्छी आएंगी क्योंकि यह एक ग्लो ऐड कर देता है आपके फेस पर, आपके कलर टोन पर एक ग्लो ऐड करके देता है। डैट मीन्स मस्टर्ड येलो वर्क्स वंडर फॉर द डस्की स्किन। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ वाइट कलर या फिर एनी पेस्टल शेड्स। वाइट की जगह ऑफ वाइट कलर डस्की स्किन टोन के लिए परफेक्ट होते हैं। आप कोई भी पेस्टल कलर ले या फिर ऑफ वाइट कलर ले, ऐसी एक स्मार्ट सी ड्रेस परचेस करके आप अपने आप को खूबसूरती का एक तोहफा दे सकते हैं। डस्की स्किन टोन के लिए ऑफ वाइट कलर या फिर कोई भी पेस्टल टोन बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैक। ब्लैक की तो बात ही क्या है, सचमुच ब्लैक एक ऐसा कलर है जो हर स्किन टोन पर हर ओकेशन में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस लगता है। स्पेशली नाइट पार्टीज़ या लेट पार्टीज़ के लिए इट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन टू डिच एनी ब्राइट कलर। ऑल डस्टी ब्यूटीज़ भी अपने वार्डरोब में बिंदास ब्लैक कलर को, स्पेशली जेट ब्लैक कलर को ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक ड्रेस के लिए आपको एसेसरीज का भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, मार्केट में ब्लैक ड्रेस की एसेसरीज भी इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज लेवेंडर कलर। इफ़ यू वांट टू एनहांस योर स्किन टोन, यू कैन स्टिक टू द लेवेंडर कलर फॉर योर स्पेशल ओकेशंस। इस सेटल एंड सिंपल कलर में आपका लुक बहुत ही स्वीट और सिंपल आता है। यदि आप डस्की ब्यूटी हैं तो डेफिनेटली लेवेंडर कलर को एक बार आप प्रीफर करिए, आप खुद देखेंगे कि यह आपके लुक को कितना ज़्यादा एनहांस कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज गन मेटल ग्रे। ग्रे कलर एक ऐसा कलर है जो कि फॉर्मनेस की फीलिंग देता है और डस्की स्किन टोन पर किसी भी फेयर कलर की तुलना में ज़्यादा एडमायरेबल लगता है। गन मेटल ग्रे ब्लैक एंड ग्रे कलर का एक परफेक्ट मिक्सचर है और यह बहुत ही स्टनिंग लगता है, स्पेशली नाइट पार्टीज़ में इसका लुक बहुत ही गॉर्जियस आता है। गन मेटल ग्रे आप जरूर ट्राई कीजिए, इसे पहनकर आप बखूबी सुंदर लगेंगे। इट लुक्स वेरी स्टनिंग इन लेट पार्टीज। नेक्स्ट ऑप्शन इज फूसिया पिंक। यदि आप पिंक लवर हैं और अपनी वार्डरोब में पिंक ऐड करने में हिचकिचाते हैं ड्यू टू योर सांवला कलर, तो डेफिनेटली आप पिंक बिंदास पहनिए। पिंक का फूसिया शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है सांवले रंग पर। फूसिया शेड ऑफ पिंक इज परफेक्ट फॉर डस्टी ब्यूटीज। इस कलर को अपने वार्डरोब में जरूर ऐड कीजिए। यह कलर सिर्फ ब्राइट ही नहीं बल्कि आपको बहुत ही गर्ली और खूबसूरत दिखाएगा एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि यह
सांवले रंग पर बखूबी जचता है, बट आपको बेबी पिंक नहीं लेना है, आपको हॉट पिंक या फिर फूसिया पिंक की तरफ जाना है। फूसिया पिंक को आप कॉन्फिडेंटली वेयर कीजिए। आई कैन अश्योर यू कि पिंक कलर इज नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। फूसिया पिंक कलर को आप ब्लूज या फिर ब्राउन्स के साथ क्लब करके बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कोरल रेड। कोरल रेड एक ऐसा शेड है जो कि एफर्टलेसली डस्टी ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। रोज विल मेक यू लुक स्वीट एंड एडोरेबल। और इस कलर की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए आप इसके साथ पर्ल का ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हैं। कोरल रेड को अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कीजिए। और कोरल रेड को डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स मैच करके भी आप कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑलिव ग्रीन। मेहंदी मुंगिया कलर सांवले रंग पर बहुत ही जचता है। इंडियन आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न आउटफिट हो, आप बिंदास होकर ऑलिव ग्रीन कलर को अपने आउटफिट में ऐड कर सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न ही लुक देगा। ऑलिव ग्रीन कलर के दो फायदे हैं। पहला कि आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइश दिखाएगा। दूसरा कि यह किसी भी ओकेशन पर स्टाइलिश और खूबसूरत ही लगता है, फिर चाहे वह आपकी नाइट पार्टी हो या फिर कैजुअल डे आउट। इसीलिए विटीज स्किन टोन वाले लोगों को हमेशा वार्म कलर्स का ही सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी कलर हम पहनते हैं उसका हमारे लुक पर बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। जहां एक और रॉन्ग कलर सिलेक्शन हमें डल और वॉश आउट बना सकता है, वहीं प्रॉपर राइट कलर सिलेक्शन हमें बहुत ही फ्रेश, एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल बना सकता है। डस्टी स्किन कलर के लोग भी सारे ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं, केवल वाइब्रेंट और नियॉन कलर्स उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उन कलर्स में वाइटनेस ज़्यादा होती है। हर कलर का एक वार्म टोन होता है, उन्हें वह कलर वार्म कलर्स ही उन्हें सेलेक्ट करने चाहिए ताकि उनकी स्किन और भी ग्लोइश लगे। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली जब किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी खूबसूरती पर हमेशा चार चांद लगाता है। और ड्रेसिंग से कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की है। हाउ टू लुक लाइक अ बॉस इस वीडियो का नाम है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के बेस पर मैंने आज सारे वो कलर शेड्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो डस्की स्किन टोन को बहुत ही ग्लोइश दिखा सकते हैं। उसके बावजूद यदि कोई कलर ऐसा रह गया हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो उनके जिनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आ सके। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन स्टे हैप्पी एंड बी स्टाइलिश। बाय बाय।